हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम जा रहे थे कलियर शेप दरगाह। तो अभी हम रुड़की से करीबन 90 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे रुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ का जो माहौल है अभी देख सकते हो, कितने सर्दी है यहाँ पे, सुबह सुबह का माहौल है। अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा खेत का नज़ारा भी बताऊँगा। और दोस्तों, अभी मतलब वीडियो आप पूरा देखना, लगातार मैं टुकड़े पर मतलब नए नए पार्ट में वीडियो आते रहेंगे। आपको पूरी कलियर शेप दरगाह में जो ऊर से स्टार्ट है उसका वीडियो मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अभी ये रुड़की से 90 किलोमीटर पहले यहाँ पे हमारी बस रुकी है। तो मैं आपको पूरा मतलब बैक कैमरे से पूरा नज़ारा भी बताऊँगा। थोड़ा यहाँ पे खेत भी काफ़ी बढ़िया नज़ारा लग रहा है, जो अभी ओस का माहौल है देख सकते हो। दोस्तों, अभी इतनी सर्दी का टाइम आया नहीं है, अभी मतलब सर्दी लगने वाली है, लेकिन अभी यहाँ पे ओस देख सकते हो, हमने अभी जैकेट वगैरह सब पहन लिया। अभी मेरे साथ है संजय पवार, जो इनका यूट्यूब चैनल है संजय ब्लॉगर के नाम से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पे भी आपको इस मतलब कलिया शरीफ जाने तक के ठेठ से ठेठ तक के पूरे वीडियो मिलेंगे आपको। और दोनों हम दोनों भाइयों को फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और यहाँ का आप नज़ारा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड्स, वीडियो शेयर ज़रूर करना। देखो, वीडियो शेयर करना, क्योंकि आप सभी को मालूम, देखो अजमेर शरीफ से हम यहाँ पे आए हैं, और वैसे भी हमको ज़ियारत भी करनी थी, लेकिन आप सभी को भी हम ज़ियारत कराएंगे, साथ साथ हम दुआ करेंगे। लेकिन आप सभी जो भी देख रहे हो, साथ साथ आप लोग हमारे लिए दुआ करोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो अभी आपको यहाँ से थोड़ा दिखाते हैं अभी किस तरह का नज़ारा है। यह हाईवे, तो अभी हम यहाँ से आए थे, या अभी यहाँ से आगे रुड़की है ना, अब बैक कैमरे से बताते हैं और भी क्या क्या नज़ारा है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, में जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें सपोर्ट कीजिए, तो हमें आप सपोर्ट्स आपके ये है कि आपको जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हमारा एक मतलब उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, हमें अगलों को मतलब वीडियो बना के देना है और हमें नई नई जगह दिखानी है आप लोगों को। तो आप अगर हमारे मतलब सपोर्ट करोगे तो ही हम दिखा पाएंगे, अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो हम नहीं दिखा पाएंगे। चले फ्रेंड, बैक कैमरा से दिखाते हैं हम यहाँ का थोड़ा खेत का नज़ारा, और आपको काफ़ी बढ़िया सीन आ रहा है यहाँ पे। अभी जिस ढाबे में रुके हैं वो भी बताते हैं हम आपको। बोल तो लिया ना। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये बस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो होटल ढाबा बना रखा है यहाँ पे, अभी रुड़की से 90 किलोमीटर पहले रुकी है। कलियर शरीफ जा रहे थे हम, तो कलियर शरीफ दरगाह आप सभी को मालूम है रुड़की से 7 किलोमीटर दूर है। तो कलियर शरीफ दरगाह से 97 किलोमीटर पहले ये बस रुकी है यहाँ पे, और इन्हीं बस में अभी हम आए हैं। और ये पूरा यहाँ पे खेत का, और किस प्रकार से अभी ओस है, मतलब अभी सर्दी लगी है, और सर्दी में देख सकते हो आप, अभी शुरुआत ही है, मतलब शुरुआत भी नहीं कह सकते, सुबह शाम की जो होती है यहाँ पे खेतों के बीच में देख सकते हो आप, आगे पानी है और ओस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप गर्मी लगती है मतलब दिन में, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में सर्दी है, सर्दी का माहौल है ठंड का। तो अभी उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को मालूम है नदियाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से गंगा नदी भी निकलती है पूरे उत्तराखंड से होती हुई, जैसे हरिद्वार। तो ये पूरा अभी नज़ारा देख सकते हो, ये हाईवे है। अभी हम बस के जरिए आए यहाँ से, जब हम अजमेर शरीफ जाएंगे, जब ट्रेन के जरिए जाएंगे, अभी तो हम बस के जरिए आए क्योंकि ट्रेन है इतनी चल नहीं रही है, ट्रेनों का टाइमिंग अलग अलग है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये खेत है, किस तरीके से आगे पानी भरा हुआ है, मतलब अगर आगे जाओ तो बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। अभी मैं गया था मतलब आगे तक खेत में घूमने भी, तो आगे हमारे को मतलब पानी पानी दिखा, दलदल जैसा माहौल है, इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं गए। ये पूरा यहाँ का नज़ारा ये पूरा देख सकते हो दोस्तों, अजमेर शरीफ से करीबन 450 किलोमीटर दूर है अभी हम, और अब कलियर शरीफ दरगाह से 90 किलोमीटर दूर है, तो अभी जाएंगे। आप सभी को मालूम है दोस्तों, अपने चैनल पर अधिकतर वीडियो अजमेर शरीफ से रिलेटेड आती है, और अगर कहीं जाते हैं, आप सभी की अभी रिक्वेस्ट थी कि ऊर्स चल रहा है जो कि कलियर शरीफ में, वहाँ का वीडियो दिखाइए, तो हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ का पूरा वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे जो जो वहाँ पे सुविधा है, अभी किस तरीके से मतलब क्या रूल्स हैं वहाँ के, वो आपको भी बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये हाईवे के यहाँ से नज़ारा हो, सुबह का वक्त है, तो काफ़ी बढ़िया माहौल है दोस्तों। और आप आना चाहते हो कलियर शरीफ तो आइए, और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं दोस्तों, ओनली फॉर व्हाट्सअप करना, ठीक है, क्योंकि कॉल मैं उठा नहीं पाऊँगा और मुझे अच्छा नहीं लगता आपका कॉल आता है, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आप मैसेज करिए मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि मैसेज भी बहुत ज़्यादा आता है, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, आपको स्क्रीन में मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी, आप मुझे भी यहाँ पर फॉलो कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।